जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आपको पता है कि बायोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे YouTube पे वीडियोस मिलते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, और उसी के साथ साथ स्ट्रैटर्जी वीडियोस भी मिलते हैं, रैप सॉन्ग्स भी मिलते हैं, अदर कुछ नया मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या नया मिलने वाला है, तो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब उसका वेटेज कितना होगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा और कौन सा कम मार्क्स के लिए आएगा। अगर ये आपको पता चल गए तो जो कम समय अभी बचा है एग्जाम के लिए, तो जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने वाले चैप्टर्स है वो आप पहले कर लेना। अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो पहले आपका मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, और उसके बाद जो कम वेटेज वाले चैप्टर है वो आप बाद में कर लेना, ठीक है। तो ये है स्मार्ट वर्क, और इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक चैप्टर, वो चाहे फिर फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिर केमिस्ट्री का हो, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और ये एक ऐसा है, बोर्ड का एक स्पेसिफिक है, उन्होंने बताया है कि हम इतने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे इस चैप्टर के ऊपर, और वो आपको मालूम होना बेहद ज्यादा जरूरी है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सो क्लास 12th न्यू सिलेबस, ओके इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये है, बिकॉज ये न्यू सिलेबस है, ये चेंज नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे भाई, बिकॉज बायोलॉजी अपना इंटरेस्टिंग है, इजी है और सबका प्यारा भी है। और इसके अंदर आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है बायो स्टडी विद निखिल नाम से, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, लगभग 9000 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन है। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी नाम, मेरा अकाउंट का नाम है बायो स्टडी विद निखिल, अपना पेज ही है इंस्टाग्राम पे, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में अपने को कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 15 चैप्टर्स, वो तो आपको है, लेकिन हर चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के लिए वो है तो वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ये आपको पूछा जाएगा 6 मार्क के लिए, हाँ 6 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, 6 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, सेकंड नंबर का चैप्टर, ये आपको पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद है 3 नंबर का चैप्टर, जो कि है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये पूछा जाएगा आपको 4 मार्क के लिए। उसके बाद है अपना 4 नंबर का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये पूछा जाएगा आपको 4 मार्क के लिए। उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये पूछा जाएगा आपको 4 मार्क के लिए। उसके बाद प्लांट वाटर एंड रिलेशन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद है 7 नंबर का चैप्टर आपका प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये पूछा जाएगा आपको 5 मार्क के लिए। मतलब इस चैप्टर के ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, मेन एग्जाम के अंदर, ओके तो ध्यान में रखना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, सो ये आपको पूछा जाएगा 7 मार्क्स के लिए। अभी अगर देखें 1 से लेकर 7 तक या फिर 8 तक जो हम चैप्टर हमने देखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 8 नंबर का रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जिसके ऊपर 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर करेंगे, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस है अपना फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को, बिकॉज वो 6-6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना, जिसको ज्यादा वेटेज है उसको आप पहले पढ़ाई कर लेना। और कुछ ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि हर एक, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसे वीडियो डालूंगा कि कम चैप्टर्स पढ़ के कैसे आप ज्यादा से ज्यादा वो मार्क्स ले सकते हो, ओके तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, ये अपना है वेटेज के ऊपर का वीडियो। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 देख लो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी बात आती है कि ये सब पीडीएफ हमको कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ का टेंशन मत लो, सीधा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, बिकॉज एचडी है, आप स्क्रीनशॉट लगाओगे तो अच्छा होगा, मतलब पिक्सल नहीं फटेंगे। उसके बाद 9 नंबर का चैप्टर हम देख रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूछा जाएगा 8 मार्क के लिए। अब तक सबसे ज़्यादा मार्क्स 9 नंबर के चैप्टर को है 8 मार्क्स। उसके बाद 10th नंबर का चैप्टर अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये पूछा जाएगा आपको 3 मार्क के लिए। 11 नंबर का चैप्टर है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये पूछा जाएगा आपको 4 मार्क के लिए। बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाएगा आपको 5 मार्क के लिए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 3 मार्क। उसके बाद 4th नंबर का इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो 3 मार्क के लिए। और 15 नंबर का लास्ट चैप्टर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ओके ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है कि नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर, तो ये 3 मार्क के लिए है, तो इसको आप छोड़ सकते हो,
है कि नहीं, मतलब क्या कि ये टोटल अगर कंप्लीट मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा पता है आपको, तो टोटल हो जाएगा गाइस 70, और 70 और ये जो है वो थ्योरी का पेपर, और उसके साथ होगा आपका 30 मार्क का प्रैक्टिकल, और टोटल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, टोटल 100 हो जाएंगे, जो कि आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 70 जो है वो मार्क्स आपको थ्योरी में लेने पड़ते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिकल में 30 मिलते हैं। तो ये 70 में अगर आप एक चैप्टर छोड़ दोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हमने छोड़ दिया, तो 3 मार्क माइनस कर दो 70 में से, मतलब आपको 67 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक चैप्टर अगर आपको हार्ड लग रहा तो वो छोड़ भी दिया तो भी 67 मार्क्स आप ले रहे हो, मतलब अगर, और यहाँ पे प्रैक्टिकल में 30 लिया तो वहाँ पे 97 ले रहे हो आउट ऑफ 100, एक आधा अगर आपने चैप्टर छोड़ भी दिया तो। लेकिन वो कब छोड़ सकते हो आप, जब आपको मालूम हो उसका वेटेज, ये कम मार्क के लिए ये हमको जम नहीं रहा है तो इसको पीछे छोड़ दो यार, अभी टाइम बचा नहीं है ज्यादा, इसलिए आप उसको बैक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये है अपना बायोलॉजी का वेटेज, आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना, ओके। उसके बाद देखेंगे हम केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, पहला चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, दूसरा कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो देख लो। पहला है अपना सॉलिड स्टेट, ओके, सॉलिड स्टेट पूछा जाता है आपको 3 मार्क के लिए, मीडियम मार्क्स है। सॉल्यूशन पूछा जाता है आपको 4 मार्क के लिए, दूसरा चैप्टर। उसके बाद 3 नंबर का चैप्टर है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। केमिकल काइनेमेटिक्स आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18, ये आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। और उसके साथ साथ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, ये आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। मतलब अगर पहले 10 चैप्टर की बात करें केमिस्ट्री के, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है अपना चैप्टर नंबर 7, 8 और अपना 4, जो कि 6-6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। और सबसे कम वेटेज अगर किसको है तो वो है सॉलिड स्टेट। और हम स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट के ऊपर पढ़ाई करते हैं, हाँ वो इजी भी है, कंसेप्ट है, लेकिन वो 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है एग्जाम के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से, ये बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो ये 10 चैप्टर हो गए पहले। अगर 11 नंबर की चैप्टर की बात करें तो वो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, ओके। सो 12 नंबर का चैप्टर की बात करें तो वो आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। 13 नंबर का चैप्टर की बात करें तो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद 14 नंबर का चैप्टर आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन 15 नंबर का चैप्टर आपको 3 मार्क के लिए, और लास्टली 16 नंबर का चैप्टर आपको 3 मार्क के लिए। अगर हम देखें बायोलॉजी में भी जो लास्ट के चैप्टर है उसको कम वेटेज है, उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी कम वेटेज है। तो आपका जो मेन, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिख रहे हैं ना, वो मिडल में है, मिडल में देखो यहाँ पे 6, 7, 8। और बायोलॉजी में भी आपको देखो स्टार्टिंग में ज्यादा है, मिडल में ज्यादा है, लेकिन जो मिडल में है मैक्सिमम जो मिडल के चैप्टर्स है उनको ज्यादा वेटेज दिया गया है, ओके। लास्ट में थोड़े कम वेटेज है, तो ये आप समझ सकते हो। तो ये अपना हो गया केमिस्ट्री का। अभी बात आता है फिजिक्स का। फिजिक्स तो आपको हार्ड लगता है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं, वेटेज एक बार देख लो। तो फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, पहला है अपना रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर, ये आपको पूछा जाता है 5 मार्क के लिए एग्जाम के अंदर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सेकंड चैप्टर पूछा जाता है 5 मार्क के लिए। थर्ड नंबर का चैप्टर काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन पूछा जाता है 5 मार्क के लिए, ओके। फोर्थ नंबर का चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ऑसिलेशंस 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद 7 नंबर का चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। 8 नंबर का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 4 मार्क के लिए एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 9 नंबर का चैप्टर, 4 मार्क के लिए। और अपना 10 नंबर का चैप्टर है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 4 और 5, ये यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे। मतलब हम ऐसे यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सरी के दिख रहे हैं, एक दो मार्क का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास दो चैप्टर है, एक चैप्टर को 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं और दूसरा चैप्टर जो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो डबल ही है ना, इसलिए 6 मार्क का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो फिजिक्स के अंदर हमको कम ज्यादा नहीं दिख रहा, एक सरी का दिख रहा है सभी को वेटेज, तो इसलिए सभी चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अंदर हमको कौन से छोड़ने हैं और कौन से करने हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब जो आपको ईजी आता है वो आप कर सकते हो। उसके बाद है अपना चैप्टर नंबर 11 जो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। एसी सर्किट चैप्टर नंबर 13 आपको 4 मार्क के लिए। उसके बाद 14 4 मार्क के लिए। 15 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। और लास्टली 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ओके। यहां पर भी सेम टोटल कंप्लीट अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 70 प्लस आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा यहां पे 30 मार्क्स,
और दोनों को अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा 100, 100 में से आप जितना प्रैक्टिकल में 30 अगर ले लिया आपने और थ्योरी में अगर 70 में से 60 ले लिया तो आपका 90 आ जाएगा आउट ऑफ 100, और वो बेस्ट स्कोर है, अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा। अगर 90 अबव क्रॉस कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। खुद के मार्क्स अगर आप लाओगे तभी अच्छे है, नहीं तो कॉपी करके कितने भी आए आपने तो सभी कच्चे हैं, ओके, अच्छे नहीं है, ध्यान में रखना चाहिए। तो ये अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये था अपना वेटेज का वीडियो। सबके ऊपर का स्क्रीनशॉट लगा दो, और जो आपके चैप्टर्स हो गए या फिर जो आपको करने हैं उसका लिस्ट बनाओ, कौन कौन से हमको चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा हमको उसको ध्यान देना है तो आप अच्छे तरीके से कर लो। और जो चैप्टर कम वेटेज के लिए और हार्ड जा रहा है, बहुत हार्ड जा रहा है और टाइम बहुत ले रहा है, तो उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा एक काम था कि आपको वेटेज बताना, और ये वीडियो के अंदर मैंने आपको वेटेज बता दिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना गाइज, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मेरे जो YouTube स्टूडियो वहाँ पे दिखाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, बिना पैसे में बहुत कुछ मिल रहा है, हाँ यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, जब तक आपका भाई, बड़ा भाई आपके साथ है, ठीक है। तो इसी के साथ ही साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।